हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में हैंड रिटन मटेरियल देता है। उसके साथ साथ उसके सारे टॉपिक्स के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। अगर आपने अभी तक वेबसाइट चेक नहीं की है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ जाकर चेक कीजिए। लेट्स सी टूडेज टॉपिक, वेब सर्विस ऑपरेशन एंड रोल। वेब सर्विस आर्किटेक्चर हमने देखा है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था वेब सर्विस आर्किटेक्चर क्या क्या होता है। अब उस वेब सर्विस आर्किटेक्चर में तीन टाइप के रोल होते हैं, सर्विस रजिस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिक्वेस्टर। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वी सी सर्विस रजिस्ट्री। सर्विस रजिस्ट्री मीन्स के उसमें ये होता है कि जितनी भी सर्विस अवेलेबल है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सर्विस रजिस्ट्री में होती है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वो सर्विस की सारी इन्फॉर्मेशन सर्विस रजिस्ट्री में सर्विस रजिस्ट्री को देनी होगी। उसके बाद ही वो किसी की सर्विस रिक्वेस्टर को वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अगर कोई सर्विस रिक्वेस्टर है, उसको कोई भी सर्विस चाहिए तो उसको ये सर्विस सर्विस रजिस्ट्री में जाके ही मिलेगी। मींस सर्विस रिक्वेस्टर को सबसे पहले सर्विस रजिस्ट्री में फाइंड करना होगा कि ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स जो भी वो सर्विस, कोई भी सर्विस वो प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइडर को फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस रजिस्ट्री में वो सर्विस को ऐड कराना होता है। सर्विस रजिस्ट्री के पास सर्विस प्रोवाइडर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी सर्विस की भी इंफॉर्मेशन होती है। सर्विस रिक्वेस्टर को सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करना होता है कि वो हमें उसकी सर्विस डिप्लॉय करने को दे। इसके बाद ही सर्विस रिक्वेस्टर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की हुई सर्विस को यूज कर सकता है। नेक्स्ट सर्विस रिक्वेस्टर। सर्विस रिक्वेस्टर मीन सर्विस कंज्यूमर। सर्विस प्रोवाइडर जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कंज्यूम करते हैं सर्विस रिक्वेस्टर। सर्विस रिक्वेस्टर UDDI रजिस्ट्री का यूज करते हैं सर्विस को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट वेब सर्विस ऑपरेशन। अगर हमने कोई भी सर्विस ले ली तो अब उस सर्विस पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखते हैं। मेनली तीन टाइप के ऑपरेशन है, पब्लिश, फाइंड एंड बाइंड। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है पब्लिश। पब्लिश ऑपरेशन वो सर्विस प्रोवाइडर करता है, परफॉर्म करता है, क्योंकि जब भी सर्विस प्रोवाइडर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस रजिस्ट्री को में सर्विस को पब्लिश कराना होता, उसके बाद ही सर्विस रिक्वेस्टर वो सर्विस को फाइंड कर सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन वो सर्विस रिक्वेस्टर परफॉर्म करता है। सर्विस रिक्वेस्टर फाइंड ऑपरेशन का यूज करके ही UDDI रजिस्ट्री में से सर्विस फाइंड कर सकता है। बाइंड, आफ्टर जब सर्विस रिक्वेस्टर को सर्विस मिल भी गई बट उसको अब सर्विस इम्प्लीमेंट करना है तो वो बाइंड ऑपरेशन के थ्रू वो सर्विस डेप्लॉय कर सकता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अवेलेबल की होती है। थैंक यू।